अस्सलाम वालेकुम, वेलकम दोस्तों हमारे चैनल मोबाइल रिव्यू कलाद में। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स होट 12 प्ले। आज हम इन्फिनिक्स होट 12 प्ले की वाट्स टेस्ट करेंगे। ये 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ और 22,000 के प्राइस में पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी की तरफ से कोई वाटर प्रूफ इसकी नहीं है, लेकिन हम अपने से एक मिनट तक इसको वाटर टेस्ट करेंगे। क्या हमसे इन्फिनिक्स होट 12 प्ले पानी में गिर जाए तो बचने के चांसेस होते हैं कि नहीं, तो चलिए हम वाटर टेस्ट करते हैं जल्दी से इन्फिनिक्स होट 12 प्ले की। दोस्तों ये हमारे साथ इन्फिनिक्स होट 12 प्ले, ये आप लोग चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल कोई प्लास्टिक कोई चीज इस पर नहीं लगाई गई है। यहाँ साइडों से भी चेक कर लीजिए, इस साइड से भी चेक कर लीजिए और यहाँ से भी चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि वाटर टेस्ट फेक होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इसकी बाकी चीजें चेक कर लेते हैं कि क्या बाकी चीजें वाटर टेस्ट करने के बाद बच सकते हैं या खराब होते हैं। यहाँ से हम इसकी कैमरा को लाते हैं, ये इसकी बैक कैमरा है, बैक कैमरा इसका बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से फ्रंट कैमरा लाते हैं, फ्रंट कैमरा भी आप लोग चेक कर लीजिए, फ्रंट कैमरा भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से हम इसकी साउंड को लाते हैं, साउंड चेक कर लेते हैं जल्दी से, ये इसकी साउंड है दोस्तों, साउंड भी इसकी बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। ये है वॉल्यूम के पावर ऑन ऑफ बटन बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से हम इसकी चेक कर लेते हैं फिंगरप्रिंट को, फिंगरप्रिंट भी इसकी बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ से हम इसकी डिस्प्ले स्क्रीन भी बिल्कुल ठीक है। और चार्जिंग को भी टेस्ट करते हैं कि क्या चार्जिंग उठाते हैं कि नहीं, ये है चार्जिंग भी बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों अब हम सारी चीज़ें चेक करने के बाद अब हम इसको रखते हैं पानी में एक मिनट तक, देखेंगे कि एक मिनट तक ये बच सकता है या ख़राब होता है। तो यहाँ पर हम इस मोबाइल में वॉच स्टार्ट करते हैं और डालते हैं इस पर पानी। इसमें हमने वॉच स्टार्ट कर दिया है, अब इस पर डालते हैं पानी। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे साथ पानी से बिल्कुल भर चुका है, ये आप लोग चेक कर लीजिए। ये है दोस्तों पानी में इसकी टच स्क्रीन काम नहीं कर रही है। एक मिनट इसकी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसको निकालते हैं, पहले साफ कर लेते हैं फिर बाकी चीजें बाद में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे साथ बिल्कुल साफ हो चुका है। पहले नंबर पर हम फिंगरप्रिंट को चेक कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट इसकी बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी हम इसकी वॉल्यूम के बटन देखते हैं, वॉल्यूम के बटन भी बिल्कुल ठीक है और पावर ऑन ऑफ बटन भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से टच स्क्रीन तो आप लोग देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और कैमरा को चेक कर लेते हैं, ये इसकी कैमरा है, फ्रंट कैमरा बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर बैक कैमरा भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से हम इसकी साउंड को लाते हैं, साउंड चेक कर लेते हैं कि साउंड में कैसा है, क्योंकि साउंड में अक्सर प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। ये है दोस्तों साउंड स्पीकर भी इसकी बिल्कुल ठीक है। कल हमने होट 12 की वॉट्स टेस्ट किया था, उसकी साउंड स्पीकर काम छोड़ दिया था, लेकिन इसकी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी चार्जिंग को टेस्ट करते हैं कि चार्जिंग उठा रहा है कि नहीं, और चार्जिंग की जगह में कोई नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। चार्जिंग में भी ये दोस्तों बिल्कुल ठीक ठाक है। ये थी हमारी इन्फिनिक्स होट 12 प्ले की वाटर टेस्ट। अगर आपके साथ भी होट 12 प्ले है तो अगर पानी में गिर जाए तो एक मिनट तक बचने के चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारे वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।